झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति होनी है और इसके लिए परीक्षा भी चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो परीक्षा का परिणाम होगा, जो रिजल्ट होंगे, वो बिना अनुमति के जारी नहीं होंगे। इसके क्या मायने हैं और क्यों ये आदेश आया है, समझने की हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी करिश्मा से। करिश्मा, काफी लंबे अरसे के बाद जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे, जब वो जीवित थे, तो उस वक्त से ही ये चला आ रहा है कि 26,000 नियुक्तियां होंगी और काफी युवा यहाँ के बहुत खुश भी थे। उसके बाद उनका निधन हो जाता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए बार बार तत्कालीन सरकार बोलती रही कि ये सपना पूरा होगा। आखिरकार काफी कोर्ट कचहरी के बाद जब परीक्षा हो रही है, फिर एक आदेश आया है कि परिणाम बिना अनुमति के जारी नहीं होंगे। क्या इसके मायने हैं और क्या हो सकता है आगे? जी आसिया, जब राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हुआ करते थे, हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका एक सपना था कि झारखंड राज्य पहला ऐसा राज्य बने जहां पर एक साथ 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो, जिसको लेकर लगातार वो स्टूडेंट्स हो, युवा हो या फिर शिक्षकों से मुलाकात कर रहे थे और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अगर 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति राज्य में होगी तो कितना फायदा होगा यहाँ के लोगों का। लेकिन आपने देखा होगा कि जब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का बात आया, तब कोर्ट कचहरी, कई युवा जो है वो याचिका दाखिल किए, कई जो युवा है उनका यही कहना था कि झारखंड राज्य में हमेशा से ही इसी तरीके का मामला जो है वो सामने आता है। लेकिन आपने जो शुरुआत की आसिया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर आदेश आया है कि परीक्षा होती है, परिणाम के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेना होगा, तो अब झारखंड के अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं अब परेशान होंगे, क्योंकि लंबे समय से उनका इंतजार जो था वो यही था कि कब शिक्षकों की नियुक्ति होगी, कब वो लोग शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर जो है आसिया वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा फौज जो है वो तैयार हो गया है बेरोजगार युवाओं का, और ऐसे में उनका सिर्फ यही सवाल होता है कि आखिर झारखंड सरकार कर क्या रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ है उसके बाद अभ्यर्थी जो है वो काफी परेशान है। आज भी परीक्षा हो रही है, कई अभ्यर्थियों से हमने जुड़ने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि परीक्षा आज भी है लेकिन वो लोग परेशान चल रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश जो है फिलहाल पारित किया गया है। देखिए, ये कहा गया है कि जो 26,000 सहायक आचार्य यानी कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा को लेकर अहम आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम टेट कहते हैं आसिया, उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो परिमल कुमार और अन्य जो अभ्यर्थी है जो लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, उसको लेकर आज सुनवाई हुई है और झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी को आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर आप परीक्षा लेते हैं और रिजल्ट प्रकाशित करते हैं, लेकिन प्रकाशित करने से पहले आपको एक बार सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना होगा। इसके साथ ही एक अहम बात यहाँ पर लिखी गई है आसिया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें दूसरे राज्यों के टेट परीक्षा या फिर सीटेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट ने यह फैसला जो है वो दिसंबर 2023 में सुनवाई की गई थी और उसमें भी अभ्यर्थी जो है काफी परेशान चल रहे थे। तो आज जिस तरीके से इसका मतलब ये माना जाए करिश्मा की जो दूसरे राज्यों के जो टेट या स्टेट अभ्यर्थी थे, वो चूंकि यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो दूसरे राज्य से अगर आते हैं तो यहाँ की जितनी भी लैंग्वेज है, कुरुक हो, संताली हो, नागपुरी हो करिया हो, ये लैंग्वेज उनके उन्हें समझ में नहीं आएगी, तो वो कैसे प्राइमरी स्कूलों में, कैसे वो मिडिल स्कूलों में बच्चों से वो यहाँ के गाँवों में पढ़ा पाएंगे, उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे उन सब्जेक्ट्स का वो क्लास लेंगे? क्या ये भी एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है? जी आसिया, देखिए, जो दूसरे राज्य से भी टेट की परीक्षा दिए हैं उसको लेकर आपने देखा होगा कि जब ये फैसले आए थे तब झारखंड के अभ्यर्थी काफी गुस्से में थे, आंदोलन कर रहे थे और यही बोल रहे थे कि हम लोग तो शुरुआत से ही बोल रहे थे कि झारखंड सिर्फ झारखंडियों के लिए, तो बाहर से अगर यहाँ पर अभ्यर्थी आएंगे और यहाँ पर नौकरी लेंगे तो झारखंड के अभ्यर्थियों का क्या होगा। और ऐसे में उस वक्त कई आंदोलन देखने को मिले, कई अभ्यर्थी
सिर्फ यही बोल रहे थे कि आंदोलन बहुत दूर तक जाएगा और हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि बाहरी लोग यहाँ पर एंट्री ना करें। अब देखिए अनुमति तो मिल गई है कि बाहरी जो स्टूडेंट है यानी कि जो अदर स्टेट से स्टूडेंट जो टेट पास किए हैं वो यहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं सुनवाई हुई थी और उस वक्त से यानी कि दिसंबर 2023 से कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो राज्य में देखने को मिल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश हुआ है कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो परेशान होंगे। आसिया, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि अगर कोई परीक्षा देता है कोई अभ्यर्थी तो इंतजार करता है कि कब परिणाम आए और वो लोग चाहते भी है कि जल्द से जल्द परिणाम आए ताकि वो शिक्षक बन पाए। अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर आदेश जारी किया गया है तो अभ्यर्थी भी चाहेंगे कि जल्दी परिणाम जारी हो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पहले अनुमति ले ले उसके बाद ही परिणाम जारी करे। लंबे समय से लंबित है, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि जगन्नाथ महतो का एक सपना था कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो, हालांकि उन्होंने 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति कहा था और उन्होंने कहा था कि दो फेज में ये नियुक्ति होगी, पहले 26,000 और उसके बाद 24,000। तो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है, कई पेच जो है फंसता हुआ नजर आ रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश जारी हुआ है तो अभ्यर्थियों को एक उम्मीद की किरणें जो है वो दिखी है कि अगर परिणाम आता है तो एक निष्पक्ष तरीके से परिणाम सामने आएगा, क्योंकि राज्य में ऐसा होता है कि हर एक नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रह जाती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है अभ्यर्थी लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरणें अभ्यर्थियों को दिखी है और उनके मन में सिर्फ यही होगा कि अब जो भी परिणाम सामने आएगा वो परिणाम निष्पक्ष तरीके से सामने आएगा। तो अब अभ्यर्थी जो है सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा और कब परिणाम जो है वो सामने आएंगे। चलिए, एक अच्छी बात यह है कि परीक्षा संचालित हो रही है और जब परिणाम की बारी आएगी तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। तो अब ये जो याचिका करते हैं उन्हें ये राहत जरूर लग रही होगी कि अब कम से कम फेयर डिसीजन होगा, जो उनकी मांग है उनकी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा, गहन अध्ययन होगी, इस पर चर्चा होगी, बहस होगी और उसके बाद कोई एक ठोस नतीजा निकलेगा तो यहाँ के युवाओं को उनका हक मिलेगा। अब देखना है इसका क्या हल निकल पाता है, जो 26,000 नियुक्तियां हैं, जो 26,000 युवाओं के सपने साकार होंगे उसे और कितना वक्त लगेगा। बहरहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए News24Scope के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।